शूट भी कर रहे हैं और मेरा किरदार इस एसपी का है और फिल्म ये एक क्राइम बेस पे है। सिद्धार्थ आप बताओ, ये पहली फिल्म है आपकी हिंदी में जी, इससे पहले क्या कर चुके हैं? इससे पहले मैंने एक तमिल मूवी कर चुका हूँ मैं, एंड वो अभी रिलीज़ होने वाली है, जैसे उसका ट्रेलर एंड सॉन्ग सब कुछ आउट हो चुका है, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। मिशन पूर्वांचल बेसिकली, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पहले मूवी ही देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए, एंड ये यूपी पुलिस के ऊपर बेस्ड है, एंड क्राइम सीन के ऊपर रिपोर्ट करूँगा जो भी चीज़ें होंगी। तो कहानी के रियल स्टोरी से मैच करती है या आपने कॉन्टेक्ट सोचा है या स्टोरी पूर्वांचल की कोई स्टोरी से मैच करती है? वो डायरेक्टर सर आपको बता, नहीं ये किसी रियल लाइफ स्टोरी से नहीं लिया हुआ है, लेकिन यूपी में रोज़मर्रा जो हो रहा है उसी से लिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर किसी बंदे से लिया हुआ नहीं, इंस्पायर्ड या बेस्ड नहीं। हाँ जी, मेरी ये हिंदी पहली फिल्म है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये करने के लिए, और इससे पहले मैंने थिएटर किया है और मैं बेसिकली ऐसे शिमला से हूँ, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। नहीं अभी होगी, अभी अभी तो शुरुआत है, अभी उनका जहाँ बिल्कुल किए हैं, अभी उनका जो करेक्टर है वो एक विधायक का है, यहाँ का एंटागोनिस्ट वो प्ले कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गाने हैं इस फिल्म में, एक आइटम सॉन्ग है, एक रोमांटिक गाने हैं और एक थीम सॉन्ग है जो कि पुलिस के ऊपर हमने दिखाया है। मेरा अभी शूट का प्लान है मुंबई, इसके बाद लखनऊ में करेंगे यूपी, और फिर उसके बाद मुंबई में ही शूट खत्म करेंगे। एक गाना कहीं बाहर शूट करने की सोच रहे हैं। कब तक टिकट मिलेगी दर्शकों को? मोस्ट प्रोबेबली होपफुली मार्च एंड तक। पोस्टर पे नाम दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग बनाया है? नहीं, वो इसलिए कि अभी हम थोड़ा और हमारे साथ कुछ बड़े लोग जुड़ रहे हैं, जो आप आगे जाके पता चलेगा आपको, काफ़ी बड़े लोग जुड़ रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं उनके जुड़ने का, वो आजकल में जुड़ जाएंगे, उसके बाद हम प्रॉपर पोस्टर विद फेस डालेंगे। यूपी में ही शूट कर रहे हैं हम, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ शूट कर रहे हैं, बाकी पूरा फिल्म यूपी में ही है, लोकेशन के हिसाब से हम यहाँ शूट कर रहे हैं। हाँ, टाइटल इसलिए सोचा क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह से ये फिल्म बेस करता है, इसलिए मिशन पूर्वांचल नाम रखा है, और एक मिशन है, ये एक हीरो का एक मिशन है जो कि पुलिस के करप्शन को साफ़ करने का एक मिशन है, फिल्टर करने का, उसको क्लीन करने का मिशन है, इसलिए मिशन पूर्वांचल। यार कुछ अपने बारे में बताइए, आप इससे पहले मैं एक तमिल मूवी कर चुका हूँ, उसका नाम है रवाली, उसका अभी रिलीज़ तो नहीं हुई है, थोड़े दिनों में खैर हो जाएगी, और ये मेरी फ़र्स्ट हिंदी मूवी है। सबसे पहले तो थैंक यू जो रुद्राक्ष टेली फिल्म है, जो प्रोडक्शन हाउस है उनको थैंक यू, हमारे डायरेक्टर सर स्वरूप घोष जी को, अमित जायसवाल सर जी को, और ये मूवी बेसिकली एक क्राइम सीन के ऊपर ही आधारित है जिसमें मैं डीएसपी बनाया हुआ हूँ, एंड या बेसिकली यही है कि जो हमारा जो करप्शन होता है उस सबको साफ़ करने का इसका मिशन है। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, रहता मैं हैदराबाद में हूँ, एंड अब इस मूवी के लिए बॉम्बे आया हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर एक्सेंट को फॉलो करेंगे। जी वो सब मैं डायरेक्टर सर और अमित जायसवाल सर के साथ मेरी वो हुई थी, वर्कशॉप्स वगैरह हुई थी, तो उसमें सर ने काफ़ी सारा हमें मोटिवेशन दिया, साथ ही साथ हमें सिखाया भी है कि कैसे हमें एटीट्यूड रखना है बीइंग अ पुलिस वाला, सो या ये सब चलते रहा था मूवी में काफ़ी देर।
देखिए हर मूवी का अपना अपना एक स्टोरी होता है, हर एक मूवी का एक नज़रिया होता है। तो आप इस मूवी को देखिए, आप अपना जो आपका परसेप्शन है वो बनाइए, बाकी डायरेक्टर सर हैं वो तो उनका तो काम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम एसपी के केबिन का, अमित जी एसपी बने हुए हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रीजन का, एसपी के केबिन के इंटीरियर का जितने सीन्स है वो शूट करते हैं, और इनका भी सिद्धार्थ जी का भी करेंगे, इनका भी। सर अभी तक तो एक्चुअली जो भी तैयारी है वो मैंने सर के साथ जो भी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड की है, और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको अभी मैं पूरा कैरेक्टराइजेशन आपको बताऊँ तो मतलब आपको उसमें पूरा चीज़ें जो भी है वो समझ में आएगी, बट एज अ कैरेक्टर जो भी मेरी उसमें डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली मैंने की है, कुछ उनके साथ वर्कशॉप्स अटेंड किए, बाकी सेट पर जो भी रहेगा वो सर गाइड करते रहेंगे। पसंद है और आई एम हैप्पी कि मुझे वैसे ऐसे कुछ फिल्म में मौका मिला है काम करने का, तो आई विल डू माय 100%। हाँ जी, मेरा नाम रावेश डोगरा है और इस फिल्म के डायलॉग मैंने लिखे हैं। डायलॉग की भाषा बहुत मैंने नॉर्मली रखने की कोशिश की है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस वाले हैं वो क्या बोलते होंगे कैसे बोलते होंगे, तो उसी हिसाब से डायलॉग रखे हैं सब। बाकी ये राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं। मैं राजेंद्र त्रिपाठी, इस फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्ट डायरेक्टर। नहीं, कोई सच्ची घटना नहीं है, बेसिकली ये काल्पनिक घटना है, लेकिन अब कुछ कुछ चीज़ें तो जो हो रही हैं उस पर बेस्ड है ही, लेकिन ये बेसिकली एक काल्पनिक फिल्म है जो पुलिस डिपार्टमेंट पर आधारित है। ये बेईमानी और ईमानदारी का जो अंतर्द्वंद चलता है और एक ईमानदार पुलिस अफसर किस तरीके से सिस्टम को चलाते हुए वहाँ फेल्योर होता है और फिर वो कैसे सिस्टम को बदलता है, बेसिकली इसी फिल्म की यही कहानी है और जो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही रिलेट करती है और समाज से जुड़ी हुई है, और लास्ट में हमने जो है एक ईमानदार अफसर को किस तरीके से अपराधियों पर विजय प्राप्त किया है इसमें ये बेसिकली दिखाया है। नहीं, इसमें बहुत क्राइम और हिंसा नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है स्पेशली उस भ्रष्टाचार पे केंद्रित करते हुए फिल्म को हम ले जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ हिंसाएं जो हो रही हैं लेकिन वो विभत्स रूप में नहीं है, हिंसा का रूप थोड़ा सा अलग है। जी, तो एक डायलॉग है वो बोल के बताता हूँ जो, हाँ, डीएसपी रितेश बोल रहा है। डीएसपी रितेश जो हीरो का कैरेक्टर है वो बोल रहा है, उसे विलेन बोलता है कि भाई तेरी ये वर्दी जो है वो अगर मैं चाहूँ तो एक सेकंड के अंदर दीवार पे हार के साथ लटका सकता हूँ, मतलब उसको धमकी देता है कि वो उसको मार देगा। तो वहाँ अपना हीरो बोलता है जब तक ये खाकी कपड़े दीवार पर टंगे होते हैं तब तक वर्दी कहलाते हैं, लेकिन जिस दिन मुझ जैसे किसी सिर फिरे इंस्पेक्टर के तन पर चढ़ जाते हैं तो कफन बन जाते हैं। ये इसका खास डायलॉग है, और भी बहुत सारे डायलॉग। जी जी, थैंक यू। मैं इसमें एक विधायक का किरदार कर रहा हूँ, विधायक राणा। ये फिल्म का विलन है। आजकल का माहौल ऐसे ही है, समाज में पॉलिटिशियंस ही विलन होते हैं, सो वो मैं कर रहा हूँ। फिल्म जिस तरह से नरेट की गई है, जिस तरह से हमारे जो डायरेक्टर हैं स्वरूप घोष, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को कंसीव किया है कि बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट के साथ ये फिल्म तैयार होगी और काफ़ी असर छोड़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी, तो एक टाइटल से ही ऐसा लग रहा है कि एक मिशन है,
समाज का जो आपराधिक तत्व है, समाज की जो नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है पूर्वांचल के लोगों का, और वो सफल होता है, यही इसकी खूबसूरती है। हर मूवी में एक विलन का अलग रूप रहता है, इस फिल्म में आप एज अ विलन और जिस तरह से कालीन भैया फेमस हुए थे गैंगस्टर के तौर पर, उस तरीके से आप भी एक विलन के तौर पर किस तरीके से आप डाले गए? कुछ एक चीज़ें मैंने इसमें कैरेक्टराइजेशन में डाली हैं। इसकी एक विशेष चाल मैंने इस कैरेक्टर में डाली है और इसका एक सुर, दो चीज़ें मैंने इसमें कैरेक्टराइजेशन में ऐड की हैं जो मुझे लगता है कि जितने भी मेरे कैरेक्टर्स मैंने अपने पहले किए हैं इस तरह के सिमिलर, उनसे बहुत अलग साउंड करेगा, बहुत अलग दिखेगा। और जिस तरह से डायरेक्टर ने हमारे रिएक्शन भी दिया है इस सारी तैयारी का, मुझे पूरा विश्वास है कि ये काफ़ी अच्छा बन के निकलेगा।